बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एनटीटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ केसेस देखेंगे वेटलेसनेस इन एलिवेटर्स के। इस लेक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि आप जो पहले वेटलेसनेस वाला टॉपिक है कम्प्लीट, उसको सुने FSE वाले लेक्चर्स में से, और मैं उसका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टूडेंट्स, वेटलेसनेस इन एलिवेटर्स में मैं यहाँ पर एक टेबल में सारा कुछ कंक्लूड करूँगा कि कंडीशंस हैं, वेलोसिटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन है, रिएक्शन इक्वेशन है। रिएक्शन इक्वेशंस के लिए आई विल अगेन सजेस्ट कि FSE वाला लेक्चर आप ज़रूर सुने और फिर उसके कंक्लूजन्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि लिफ्ट इज़ एट रेस्ट। वो लिफ्ट जिसमें हमने कोई भी वेट या कोई भी पर्सन मौजूद है, अगर वो रेस्ट पर है स्टूडेंट, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो, जो बेसिक फोर्स इक्वेशन बनती है। अच्छा, इसमें जो टी है, बस दो बातें याद रखते हुए कि टी अपेरेंट वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डब्ल्यू जो है वो रियल वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगली इंपॉर्टेंट बात याद रखें, रियल वेट कैन नेवर बी ज़ीरो बट अपेरेंट वेट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो। कभी भी रियल वेट को आपने ज़ीरो कंसिडर नहीं करना, ज़ीरो कंसिडर करना भी है तो अपेरेंट वेट को। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यहाँ पर टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पर ए बेसिक इक्वेशन का हिस्सा है लेकिन ए तो ज़ीरो है, तो ये जब एम इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा स्टूडेंट्स, आपके पास कंक्लूजन आएगा कि जब एलिवेटर या लिफ्ट रेस्ट पर है तो आपके पास जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट के इक्वल है। अच्छा, ये तो बहुत ईजी सिचुएशन है। एक ट्रिकी सिचुएशन आती है कि हम नॉर्मली सिर्फ क्वेश्चन को या टॉपिक को बड़ा तेज़ी से पढ़ते हुए ये याद रख लेते हैं कि जी जब लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी तो वेट इंक्रीज़ कर रहा था, जब डाउनवर्ड आ रही थी तो वेट डिक्रीज़ कर रहा था। बट देर इज़ अ सिचुएशन, अगर लिखा हो कि द लिफ्ट इज़ मूविंग अप और मूविंग डाउन एट अ यूनिफॉर्म एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, तो स्टूडेंट्स याद रखें जब स्पीड कॉन्स्टेंट होती है एक्सेलरेशन तब भी ज़ीरो होती, तो ज़ीरो एक्सेलरेशन के केस में भी टी माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम इंटू ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम कंक्लूजन आएगा कि अगर लिफ्ट या एलिवेटर इवन कॉन्स्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है तो तब भी रियल और अपेरेंट वेट दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर केस आता है कि अगर वो एलिवेटर अपवर्ड मूव करता है वेरिएबल वेलोसिटी से, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी से, फॉर एग्जाम्पल वो मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी यानी उसकी एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि v इज़ वेरिएबल, a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट a इज़ लेस देन g। a इज़ लेस देन g के केस में आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन होगी t इज़ इक्वल टू m इंटू जी प्लस a। ये इक्वेशन है अपवर्ड मोशन के लिए, ये इक्वेशन याद रख लेनी है, t इज़ इक्वल टू m इंटू जी प्लस a। अगर g में a प्लस हो रहा हो स्टूडेंट्स, तो याद रखें आपने यहाँ पर क्या करना है, g में a प्लस करना है। अब यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ कि अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड, कि अगर एक पेंडुलम किसी एलिवेटर में है और वो एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट करता है तो उसके टाइम पीरियड की इक्वेशन क्या होगी, तो स्टूडेंट्स मैं टाइम पीरियड की इक्वेशन लिख रहा हूँ कि अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए टाइम पीरियड की इक्वेशन होगी टी इज़ इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए। यही जी प्लस ए स्टूडेंट्स सिंपल पेंडुलम में यूज़ होगा। जहन में रख लें, ये टी अपेरेंट वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए है और ये टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलिवेटर अपवर्ड कितनी एक्सेलरेशन से मूव करे सच दैट इट्स अपेरेंट वेट बिकम्स डबल, तो वेरी सिंपल, अगर यहाँ पर ए की जगह पे क्या आ जाए जी, तो जी प्लस जी क्या हो जाएगा टू जी, हमारे पास जो अपेरेंट वेट का आंसर आएगा वो कितना आएगा टू एम जी। सो अगर एक एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट करता है विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी, तो स्टूडेंट्स उसका जो अपेरेंट वेट है वो पहले से डबल हो जाएगी, नहीं पर्सन को यूँ लगेगा कि मैं पहले से दो गुना भारी हो गया हूँ, दैट विल बी द इफेक्ट ऑफ अपवर्ड एक्सेलरेशन। और यही डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल वेलोसिटी के केस में आया कि अब एलिवेटर इज़ मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, एक्सेलेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी, अच्छा एक्सेलेशन विल बी लेस देन द फोर्स ऑफ गियर एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वैल्यू है ना 9.8, तो जो डाउनवर्ड एक्सेलेशन होगी हो सकता है वो 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर हो।
तो इस केस में टाइम जो अपेरेंट वेट की इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, वो बनेगी एम इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ पर मेन रोल प्लेइंग फैक्टर होगा जी माइनस ए। और यहीं पर अगर एक सिंपल पेंडुलम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस ए। अब देखें, जी माइनस ए का फैक्टर बेसिक एक्सेलरेशन फैक्टर को डिक्रीज करेगा, टाइम पीरियड को इंक्रीज कर देगा। यहाँ जी प्लस ए का फैक्टर इस फैक्टर को इंक्रीज करेगा और टाइम पीरियड को डिक्रीज करेगा। यानी अगर एलिवेटर अपवर्ड मूव करेगा तो टाइम पीरियड डिक्रीज करने का मतलब है कि मोशन फास्ट हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का। पर्सन है तो पर्सन का अपेरेंट वेट पहले से बढ़ जाएगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स नॉन ज़ीरो, तो पर्सन का अपेरेंट वेट कम हो जाएगा और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। यानी सिंपल पेंडुलम का जो आपके पास कह लें मोशन है वो स्लो हो जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट केस अ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि लेट्स से जो लिफ्ट है वो ब्रेक कर गई है, नाउ इट्स कमिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जी। तो यही इक्वेशन आगे मॉडिफाई हो जाएगी, टी इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस जी। तो आपके पास अपेरेंट वेट का आंसर क्या आएगा, जीरो। इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। और स्टूडेंट्स इस कंडीशन को हम माइक्रो ग्रेविटी का भी नाम देते हैं। ऑलराइट, अच्छा इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ रेशो के क्वेश्चंस आते हैं कि एन एलिवेटर फर्स्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ अपेरेंट वेट्स। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको रेज करके आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। फर्ज करें आपसे कहा जाता है कि एक एलिवेटर अपवर्ड पहले एक्सेलरेट करता है जी बाय थ्री एक्सेलरेशन से, फिर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करता है जी बाय थ्री एक्सेलरेशन से, तो बताएं रेशियो ऑफ द अपेरेंट वेट्स क्या होगी। तो टी अपवर्ड टी डाउनवर्ड, अपवर्ड है जी प्लस जी बाय थ्री, डाउनवर्ड के लिए लिखेंगे जी माइनस जी बाय थ्री। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, फोर जी बाय थ्री, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, टू जी बाय थ्री। अब जी बाय थ्री से जी बाय थ्री स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास फोर बाय टू या फिर टू रेशो वन, ये रेशो का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से रेशो फैक्टर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ टेंशन, ब्रेकिंग टेंशन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको आप डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये एक स्पेशल किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, रोप एंड मंकी प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। और इनमें हमने जो रोप्स हैं उनकी ब्रेकिंग टेंशन की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो एक्सेलरेशंस हैं मोस्टली वो फाइंड करनी होती हैं। तो अगर एक मंकी एक क्लाइंबिंग अप का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन आपने खुद अंडरस्टैंड करना है, उसको पढ़ना है स्टेटमेंट को, तो फिर आपने ये इक्वेशन यूज़ करनी है, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। और अगर कमिंग डाउन यानी एक मंकी रोप पे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो फिर आपने स्टूडेंट्स यूज़ करनी है इक्वेशन टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अब जब एक मंकी अपवर्ड मूव करेगा तो जो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग होगी इट विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ द मंकी, और जब एक मंकी डाउनवर्ड मूव करेगा द टेंशन विल बी लेस देन द वेट ऑफ द मंकी। ये दो बातें, ये दो आइडियाज़ जो हैं वो जहन में रखने हैं। अब इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल एक रोप है जिसकी ब्रेकिंग टेंशन है 450 न्यूटन, एक मंकी है जिसका मास 20 kg है। आपसे पूछा जाएगा कि ये मंकी मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करे सच दैट द रोप मे नॉट ब्रेक। मैक्सिमम ये कितनी एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करे सच दैट जो रोप है वो टूट नहीं सकती, वो नहीं टूटेगी। तो आपने ये इक्वेशन पूरी लिखनी है, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो टी तो हमने लिख दिया ब्रेकिंग टेंशन, अब एम जी मास ऑफ मंकी एंड ग्रेविटी, मास ऑफ मंकी इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब 450 में से ये 200 उस तरफ जाके माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स 250, और इस तरफ आपके पास जो है वो 20 a बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 20 a जो है स्टूडेंट्स ऑनवर्ड जब इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। कि जो एक्सेलरेशन है मंकी की अपवर्ड वो 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, अगर ये इससे ग्रेटर होगी तो द रोप विल ब्रेक। नंबर टू,
Now the monkey is climbing down या coming downward. तो what must be the minimum acceleration for a monkey to move downward such that the rope may not break? तो tension फर्ज कर लेते हैं, जो रस्सी की breaking tension है वो है 100 newton. mg mass of monkey again consider कर लेते हैं, 20 kg है. तो mg यानी 20 into 10 हो जाएगा, माइनस 20 into a. अब यहाँ पर जब डाउनवर्ड है ना, तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम नहीं मिनिमम एक्सेलेरेशन की बात होगी कि मिनिमम वो कितनी एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड मूव करे सच दैट द रोप मे नॉट ब्रेक, या जो रोप है वो टूटेगी नहीं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, ये माइनस 20 इस तरफ ला के आपने प्लस 20 कर देना, 200 और ये 100 उसमें से माइनस कर देना, तो 20 a इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. यानी अगर जो मंकी है वो मिनिमम डाउनवर्ड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करे तो जो रोप है वो ब्रेक नहीं होगी. तो स्टूडेंट्स ये है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रोप एंड मंकी. और दूसरा जो केस था वो था वेटलेसनेस इन एलिवेटर्स. इन सब इक्वेशंस को अपने पास नोट डाउन करें और इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है उनको इंटरनेट से सर्च करके सॉल्व करें. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.